दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जो आपका आधार कार्ड है वह कहां कहां अभी चल रहा है और किस जगह पर वह लिंक है और उसकी हिस्ट्रीज आप चेक करना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों यह वीडियो आपकी जो है सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए भी रहने वाली है, तो यह वीडियो हर किसी को देखनी ज़रूरी होती है क्योंकि यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि जो आपका जो आधार कार्ड है वह कहाँ कहाँ लिंक है और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, किसके इस्तेमाल में है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो है परेशानी आगे जाकर ना आए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका आधार कार्ड कहीं पर लिंक रहता है और वहाँ पर उसका मिसयूज़ हो रहा होगा लेकिन आपको पता ही नहीं। लेकिन जब कभी यहाँ पर कोई आपके ऊपर कंप्लेन करेगा या फिर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो तब आपको पता लगता है। इससे बेहतर यह है कि आप अभी ही जान लीजिए कि यहाँ पर आपका आधार कार्ड जो है वह सेफ है या नहीं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ओपन कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर गूगल ओपन करने के बाद आप सभी सर्च करेंगे SSUP सेल्फ सर्विस अपडेट प्रोटोकॉल, आप सभी यहाँ पर पोर्टल, यहाँ पर आप सभी इस पर क्लिक कर देंगे। जब आप सभी देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह से यहाँ पर जो है इंटरफेस आ जाएगा, यह वाला पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो है लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। और देखिए यहाँ पर जो लॉगिन करना है आपको अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है, उसके बाद आप सब यहाँ पर ये जो कैप्चा है यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पर B979X लिखा है वैसे ही आप यहाँ पर डालकर इसको कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर इसको जो है पहले कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने डाल दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर लॉगिन विद OTP पर क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पर जो कैप्चा है आपको दोबारा डालना पड़ेगा। देखिए मैंने थोड़ा यहाँ पर अगर मिस्टेक हो जाती है तो फिर आप यहाँ पर दोबारा से इसको जो है ऐसे रीलोड भी कर सकते हैं कैप्चे को इस तरह से, और यहाँ पर चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पर सही से डाल दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कैप्चा डाल दिया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें जो है OTP डालनी है और ये वन टाइम OTP रहती है और यह आपके उस नंबर पे जाएगी जिस नंबर से आपने यहाँ पर अपना यह आधार कार्ड बना रखा होगा। देखिए मेरे पास OTP आ चुकी है 746532 746। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, आप सभी देख सकते हैं, और देखिए यहाँ पर मेरी प्रोफाइल शो कर जाएगी और जो मेरा आधार कार्ड है यहाँ पर वह एक तरह से यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है इस तरह से, और नीचे आने के बाद आपके सामने जो है काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा एथेंटिकेशन हिस्ट्री, देखिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यह बताएगा कि आप क्या चाहते हैं, या फिर बायोमेट्रिक चाहते हैं या फिर यह है सभी चीज़ें हम ऑल पर क्लिक करके, और देखिए यहाँ पर किस डेट से किस डेट तक आपको चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं अभी ज़्यादा नहीं बल्कि मैं यहाँ पर जो है अप्रैल से अप्रैल की 16 तारीख से लेकर इसी साल की और यहाँ पर आज तक की जो है निकलवाना चाहता हूँ, जैसे कि इस तरह से, और फीच एथेंटिकेशन हिस्ट्री पर आप जो है क्लिक कर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों क्लिक करते ही अब देखिए थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बायोमेट्रिक्स नहीं एक बार भी नहीं करी, 0% है, और OTP मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, सही बात है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी तक नहीं करा है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी यह सभी डिटेल्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डेट स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका सर्विस का नेम देख सकते हैं, रिस्पॉन्स कोड देख सकते हैं, यह सभी चीज़ें आप देखिए यहाँ पर अगर डाउनलोड PDF पे क्लिक कर देंगे तो देखिए दोस्तों आपके यहाँ पर जो PDF है वह भी डाउनलोड हो जाता है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं और आप सीधा यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैंने इस साल सिर्फ 2 बार OTP मंगाई है और वह दोनों बार OTP मैंने इस वीडियो बनाने के लिए ही बनाई है, नहीं तो मैं यहाँ पर जो है OTP का मुझे कोई यूज़ नहीं होता है। तो देखिए दोनों बार ही इसने दिखा दिया है और टाइम भी आप देख लीजिए दोनों आज की ही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 10वां महीना 15 तारीख। इस तरह से दोस्तों आप भी निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। थैंक यू।